अभी उसी पूरा जोड़ डालना ना। आज गया फाइट। और तेजस क्या हाल है? बढ़िया यार। तो कल शाम के बाद अभी मिल रहे हैं और हम लोग क्लास हो चुका है ओवर, क्योंकि 2:45 तक क्लास चला था अपना और मार्केटिंग का हम लोग ऐसा धाकड़ एकदम जबरदस्त प्रेजेंटेशन बनाया ना, लेकिन कल का क्लास कैंसिल हो गया क्योंकि वो प्रेजेंटेशन अब होगा नहीं, अब थर्सडे को होगा। थर्सडे को देखते हैं। प्रेजेंटेशन हम लोग सबसे सॉलिड बना अभी तक में, जो देख रहे हैं ना अपने क्लास वाले बच के रहना, भले हम लोग अच्छे से दे ना पाए लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाया क्या। और फहीम हम लोग को करेगा, मैं इंट्रो से स्टार्ट करूंगा, इंट्रो मैं करूंगा, इसके बाद आगे का तेजस और मैं संभाल लेगा और लास्ट का कंक्लूजन नवन करेगा, क्योंकि नवन का मतलब जो फाइनल टच अच्छा होता है। अच्छा, तो करण क्या करेगा? और मैं करण भाई, करण की बॉडी बिल्डिंग ऐसी है कि सर कुछ पूछेंगे नहीं, डर के मारे बोलेगा कि अगर कुछ गलत हो गया तो ये सर ने जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो हम लोग पांचों चुप हो जाएंगे उस टाइम, यही पता चलेगा और कुछ नहीं। यही होगा हम लोग साथ। तो कल तो नहीं अपना प्रेजेंटेशन, थर्सडे को प्रेजेंटेशन है और यहाँ पर आके हॉस्टल में चिल कर रहे। तो गाइस ये है जयपुरिया का हॉस्टल, ये रहा ये तेजस का रूम, इसका पार्टनर को भगा दिया यहाँ से। और ये नमन इतनी मेहनत कर रहा है मत पूछो। हाँ, नमन भी बहुत पीपीटी भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। तो आओ बालकनी घुमाते हैं, थोड़ा बालकनी घूम लो। ये रहा पीछे वाला, आगे जो फ्रंट से दिखाया था वो था मयंक का रूम, वो मयंक का रूम से फ्रंट दिखता है, वो हॉस्टल हॉस्टल मेस वेस सब दिखता है। ये पीछे का है, ये रहा पीछे वाला, पीछे कुछ ऐसा पूरा खाली एरिया है अपना, वहाँ है वो जो दिख रहा है कैमरा में, नहीं कैमरा में नहीं दिख रहा लेकिन वहाँ पे एकदम सीधा जो दिख रहा है ना वो छोटा बड़ा बड़ा बिल्डिंग, वहाँ पे अपना रूम है। यहाँ से पूरा क्लियर दिख जाता है, ज़्यादा दूर है नहीं, 9 किलोमीटर ऐसे आँख से दिख जाता है, आँखें तेज है ना। तो देखो यहाँ से 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पूरा लाइन पे, ये 4th फ्लोर है। अभी तक लिफ्ट बना नहीं है यहाँ का क्योंकि नया हॉस्टल तैयार हो रहा था। और ये रहा है नीचे पार्किंग का भी बन रहा है, मतलब अभी बन ही रहा है, यहाँ पर पहले वो था बास्केटबॉल का कोर्ट था वो चलता था यहाँ पर, और अब यहाँ पर बन गया है यहाँ पर हॉस्टल। तो आओ देखो थोड़ा सा सफ़र ऊपर, देखो वीडियो भी देखते रहो और बस ये, क्योंकि आधा घंटा बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, अमर नमन यहाँ से आधा घंटा बाद निकल जाएंगे चिल करने के लिए। आया प्रोजेक्ट अपना जो काम है वो फाइनल कर लेते हैं, मार्केटिंग का फाइनल हो चुका था, बस थोड़ा सा बचा हुआ, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं गलती हुआ वो देखने के लिए लोग आए हैं। तो यहाँ के बाद मिलते हैं सीधा घर पर नहीं, यहाँ से निकल के मिलते हैं। और ये पीछे का बैकग्राउंड का ले लो सी, क्या कर रहा है असली हरकत, क्या कर रहा भाई तुम लोग, मस्त लग रहा है साले, पकड़ा जाओगे जयपुरिया में, पकड़ा जाओगे तुम लोग असली हरकत करते हो। असली क्या है भाई इसमें पागल क्या है क्या भाई, बोला तेजस कुछ कुछ नहीं भाई, अभी तू बोल, तेजस कुछ बोल दे। तेजस भाई कहीं वीकेंड बीता अच्छा गार्डन गैलरिया में, हॉस्टल में ये होता है कई मजाक नहीं हुआ रही भोचड़ी के जा कर रहे हो मजाक आएगा नहीं हो रहा है कुछ रिकॉर्ड नहीं, बोलने दो यार। हॉस्टल में ये होते, हॉस्टल लाइफ ऐसा होता है, बस डिस्क्लेमर है कुछ दिखेगा नहीं, करो कैमरा कर सालेगा। हेलो गाइस, अबे नहीं दिखेगी उसको, अबे तो आत्मा लंड लंड क्या है। तो गाइस ये होता है हॉस्टल में गाना वाना चलता है, डांस वांस चलता है, पूरा मस्ती चलता है, नेटफ्लिक्स चलता है। मेरी कैमरा लगाओ हॉस्टल में ही चलता है, बॉयज हॉस्टल में डांस ही दिखेगा आपको और कुछ नहीं।
अभी तक लिफ्ट बना नहीं है, लिफ्ट बन रहा है। एक ही बन रही है भाई, एक सालों में बंद कर दूँ। कैसा एक ही बन रहा है? तो अब यहाँ से निकलेंगे घर और नमन को करेंगे, नमन को टाटा बाय नहीं करेंगे, नमन के साथ जाएंगे, मयंक को करेंगे टाटा बाय बाय। तू कहाँ नीचे जाएगा? रूम में जाऊँ, जिम जाऊँ मैं आज एक हफ्ते बाद। जिम तो मेरा छुट्टी गया एकदम। तेरा रूम नंबर कहने का है, छह दिन में एक बार जाता हूँ कहने की जिम है वो। चलो चलो बाय बाय। इसका रूम नंबर है 210, धावा मार देना। कुछ जा नीचे, कुछ जा, मेरा बन जाएगा भाई अच्छा ब्लॉग। कुछ जाना दोनों, कुछ जाना। ये रहा गर्ल्स हॉस्टल, ये रहा बॉयज हॉस्टल, वो रहा है बालकनी पे दो लड़के, और ये रहा मेस, ये रहा अंदर, जो अंदर बहुत लंबा सुपर कैफे है। सुपर कैफे है जहाँ पर सस्ते अच्छे मिलते हैं, सस्ते अच्छे मिलते हैं। नीचे भी एक कैफे है, वो लग्जरी कैफे है। और अब जा रहे घर, पर धूप भी बहुत ज़्यादा है। पर हमें और भाई हम लोग आज करेंगे ट्रिपल सवारी, ट्रिपल सवारी करेंगे स्कूटी पे, और सबसे पीछे बैठेगा फहीम। और नहीं, सबसे पीछे बैठेगा फहीम। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पीछे करण बैठता है, क्योंकि करण अगर बीच में बैठा तो उसकी फट जाएगी, क्योंकि फिर ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकी बॉडी देख रहा है ना, मेरा एडजस्ट नहीं कर पाएगा। और ये मैंने, और ये देखो क्लास में क्या आज ना, मतलब कॉलेज में, मतलब कैंपस में आया है इसके लिए, क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी कंपनियां। तो जयपुरिया के दूसरे कैंपस वाले भी आज पहुंचे हैं हमारे कॉलेज में, नोएडा कैंपस में। फहीम जोश में आज नहीं, मैं ऐसा कोई कुछ जोश में नहीं हूँ। हाँ लेकिन आज मेरा आई एम हाई। ये रहा फ्रंट लो, यहाँ से अपना क्लास स्टार्ट होता है। यहाँ पर ये जो भी होता है ग्रेविटी, ये सब होने वाला प्रोग्राम, वो सब चलेगा। यहाँ पर अपना चलता है पार्किंग का सिस्टम, सुबह सुबह खाली रहता है, जो पहले आया उसको अंदर लगा, नहीं तो बाहर लगता। और ये नंबर याद कर लो, यहाँ पर छापा मार देना इस नंबर पे, जल्दी चालान काट देना। नमन जी जा रहे हैं, मैं भी निकलता हूँ अपना, टाटा बाय बाय। पूरा स्कूटी पे खड़ा हो गया, स्कूटी पे डबल स्टैंड पे खड़ा, पूरा खड़ा हो जा। कर सकता है, खड़ा हो। मैं अपनी बाइक खरीद ना, चल कर 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 हो जाएगा। अबे उसी पूरा जोड़ डालना ना, आज गया फाइन, गिर गया, छोड़ दे। हो गया, फाइनली हो गया। नहीं हुआ भाई, नहीं होगा गाइस। मैं पकड़, मैं बताता हूँ। सी नमन करके दिखाएगा डबल स्टैंड। बस इस पे ऐसे पाँव रखना होता है और इस पे खड़े हो जाओ। ये है पावर, पावर नमन बॉडी बिल्डर। पावर की जरूरत ही नहीं है। हमारे कॉलेज में कोई साइकिल लेके आया है तिलक। बनाइए, आपका वीडियो बना रहे हैं हम, बहुत दिन बाद आए भैया गांव से अपना। कोई लड़का बैठ रहा था यहाँ पर, कौन था आपका वो? सवाई का लड़का था। अच्छा, तो भैया आज आए हैं, आज भैया खिलाते हैं जी। हम लोग उतने दिन से गोलगप्पे खाना बंद कर देते, एक सप्ताह तक नहीं खा रहे थे, और भैया 10 दिन से गए थे। ये रात चार पानी है, एक पानी, दो पानी, तीन, चार पानी है यहाँ पे। ये खा के रूम निकलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बन कर रहा था खट्टा खाने का, मसाला वाला।
तो आ गए, तो एक चीज़ बताते हैं, इतने जैसे कैमरा से वीडियो बना रहे हैं तो हम GoPro से वीडियो बनाते हैं, तो ये है मेरा वाइड वर्जन। अब इसका सुपर व्यू दिखाते हैं कैसा लगता है, ठीक है? इसके बाद वाला सुपर व्यू आएगा, ये वाइड, और ये है सुपर व्यू, पूरा कवर हो जाता है इसमें, इसमें थोड़ा सा वो टाइप का लगेगा, कर्व टाइप का, इन्हें सुपर व्यू पूरा कवर कर लेता है। तो कभी वाइड कभी सुपर व्यू में करता, अभी सुपर व्यू की पूरा करके आए थी, तो समझ लेना कैसा है कैमरा क्वालिटी।